गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर आपका ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत। फिर हम मिल रहे हैं आज एक नए पार्ट को लेके। आज के चैप्टर का नाम टेंस। हम लोग इस टेंस को किस रूप में जानते हैं और कैसे जानते हैं, इस कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग का मुद्दा है ये टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे टेंस पे काम करना है और इसके डिफिनेशन पे जब हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे क्या, द टाइम विच इज स्पेंट ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। जब इसकी हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि क्रिया करने में जो समय लगता है वह टेंस कहलाता है। यानी आपने देखा कि जो भी क्रिया हम करते हो और उसमें जो समय मेरा लगता है वह समय मेरा टेंस कहलाता है। आज हम लोग एक ही कड़ी में, एक ही पार्ट में टेंस क्या होते हैं वो सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग टेंस को देखेंगे, तो फिर वापस आते हैं इसको मिटा के देखेंगे। अब हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि यह टेंस जो है वह अपने दो पार्टों में बटे हुए हैं। जो दो पार्ट हमारे क्रमशः, एक पार्ट को जहां हम टाइम के नाम से जानते हैं तो दूसरे पार्ट को हम वर्क के नाम से जानते हैं, वर्क के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि टाइम कितने होते हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, हम लोग को वर्क के बारे में चलना है तो दुनिया में वर्क करने के अंदाजा बहुत है और वर्क भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जब हम वर्क की बात करेंगे तो हम लोग इनकी चर्चा करेंगे, इनडेफिनिट। किसकी चर्चा, इनडेफिनिट। पहला काम इनडेफिनिट होता है, दूसरा इम्परफेक्ट होता है और तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब आप देखेंगे एक एक पार्ट पे मुझे काम करने हैं, एक एक बिंदुओं पे मुझे काम करने हैं और सबको स्पष्ट तरीकों से जानना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम अंत तक जरूर देखेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा। पहले ही गया और देखा, छोड़ दिया तो समझ में नहीं आएगा। बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट मैंने दिया है जो कि आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। तो फिर हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जहां तक प्रेजेंट की बात आती है तो आप क्या करो, प्रेजेंट के लिए आप कैसे समझोगे कि ये प्रेजेंट है, तो उसको लेके मैं एक आइडेंटिफिकेशन देता हूं। वो आइडेंटिफिकेशन क्या कहलाता है कि जब चर्चा डू या डज इंग्लिश वाले सेंटेंसों में दिखाई दे, डू या डज, तो आप समझना कौन से टेंस की, कौन से टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। जब चर्चा चलेगा इज आर एम का तो आप समझना कौन सा टाइम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम। जब चर्चा चलेगा हैव या हैज की बातें तो आपको समझना है कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम। जब चर्चा हैव या हैज के बाद बिन की बातें होती है तो भी समझना है कि यह प्रेजेंट टाइम होता है। तो दोस्तों, यह प्रेजेंट टाइम आपको जो है कौन कौन से काम करते हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से काम को किए जाते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में काम किए जाते हैं इंडेफिनिट तरीकों से, इम्परफेक्ट तरीकों से, परफेक्ट तरीकों से और परफेक्ट कंटिन्यूअस तरीकों से।
तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम ये चारों तरीकों के काम को करते हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे ये पहला तरीका इंडेफिनिट के रूप में कैसे काम करते हैं, यानी हम प्रेजेंट टाइम इंडेफिनिट के पास जाते हैं तो अपने कौन से पहचान को बताते हैं। तो दोस्तों इस पहचान को भी जानना है, यानी जब चर्चा तुम्हारा वर्ब का वन की बातें करती हो या वर्ब का फाइव की चर्चा करती हो तो उसको आप समझना कि यह इंडेफिनिट का काम करता है। कौन सा काम करता है? इंडेफिनिट की बातें करता है। यहां तक कि जब चर्चा भेटू की बात करेंगे तो यह भी इंडेफिनिट की बात करेंगे, यह भी इंडेफिनिट के बारे में ही बताता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट होता क्या है, तो प्रेजेंट का मतलब अभी अभी वर्तमान की बातें होती है। तो वर्तमान की बातें जब आप कह देते हो तो इसमें भी कुछ बातें हैं, यानी इसमें हिंदी की पहचान भी छुपी हुई रहती है, हैं, हूं और क्या हो। तो दोस्तों जैसे प्रेजेंट का हुआ वैसे पास्ट के बारे में भी आप जानोगे, पास्ट में क्या छुपे रहेंगे, था, थे और क्या थी। दोस्तों फ्यूचर के लिए आप क्या जानोगे, तो फ्यूचर के लिए भी आप जानोगे गा, गे और क्या घी। तो ये तो इसकी हिंदी की पहचान है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यह पास्ट की पहचान होती है समझने के लिए। पास्ट को लेके जो है आप क्या क्या बता सकते हो, तो पास्ट में भी हम वही जानेंगे, जब चर्चा हमारी डिड की हो समझेंगे पास्ट टाइम की बातें हो रही है, जब चर्चा हमारी वाज या वर की हो तो हम जानेंगे पास्ट की बातें, जब चर्चा हैव हैड को छोड़ के हैड की बातें होंगी तो जानेंगे पास्ट है, जब चर्चा हैड के बाद बिन की होगी तो जानेंगे ये पास्ट की बातें होंगी। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर के पास आते हैं और फ्यूचर के पास भी आने के बाद जब चर्चा सेल या विल की चर्चा होगी तो आप जानोगे फ्यूचर की बातें, जब चर्चा शैल या शैल बी या विल बी की चर्चा होगी तो जानोगे फ्यूचर की बातें, जब चर्चा शैल या विल के बाद हैड की चर्चा करेगा तो जानोगे फ्यूचर की बातें, फ्यूचर समय की बात को जानोगे, जब चर्चा शैल या विल के बाद हैड मिले और इसके बाद बिन मिले तो भी आपको जानना है ये फ्यूचर का टाइम हो रहा है। अब जब टाइम की चर्चा आप कर लेते हो तो हम बारी बारी से एक एक करके जो है सबके साथ सबका रिलेशन को शो करते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम जो है वो आपके इंडेफिनिट के पास भी जाते हैं, आपके इम्परफेक्ट के पास जाते हैं, आपके परफेक्ट के पास भी जाते हैं, आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास भी जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल को देखना चाहता हूँ, और एक एग्जाम्पल जो है आपका कहता है आई डू नॉट प्ले अ बॉल। अब आप इस सेंटेंस में देखना, सबसे पहले अंग्रेजी वाले सेंटेंस को जब आपको टेंस समझना होगा तो पहले आपको टाइम को जानना होगा, और आपका टाइम क्या कहलाता है उसको आप देखोगे। तो सब्जेक्ट के ठीक बगल में जो होते हैं सबसे पहले उस पे आपको दिमाग लगाना है, और सब्जेक्ट के ठीक बगल में जो मिला आपको डू वो बताओ कौन सा समय हो रहा है। तो आप समय में आप जब आओगे तो डू और डज जब ये आ जाएंगे तो आपको बताएंगे क्या कि ये डू और डज किसके द्योतक हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन है, तो प्रेजेंट के हैं। तो दोस्तों आपको डू को देखते देखते आपको टाइम की चर्चा अगर याद आती है तो उस टाइम को आप किस नाम से जानना चाहोगे, तो वो है प्रेजेंट के नाम से, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट। अब इसके बाद आप आगे चलते हो तो आपको मिलता है क्या, प्ले। आपको क्या मिला, तो आपको प्ले मिला। तो दोस्तों ये देख के मुझे बताओ आपका ये प्ले कौन सा फॉर्म है, वर्ब के कौन से फॉर्म में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ब का वन और वर्ब के फाइव इन दोनों में एक डिफरेंसेस है, यानी जेंटली जिस रूप में जो मेन वर्ब अपने मेन परफॉर्मेंस मेन फॉर्म में पाए जाए, जैसे आपने देखा प्ले, जैसे आपने देखा टीच, जैसे आपने देखा रेड, जैसे आपने देखा राइट, जैसे आपने देखा गो, रन, ये लोगों को हम कहते हैं वर्ब का वन या प्लूरल भी कह सकते हैं।
इन्हें हम वर्ब का वन भी कह सकते हैं और प्लूरल भी कहते हैं। तो दोस्तों मुझे वर्ब वन से मतलब है, तो आज के बाद से आपको दोस्तों समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये वर्ब वन है। लेकिन जिस वर्ब में जब आप एस लगा दोगे या ईएस लगा दोगे, जैसे आपने कहा प्लेज, जैसे आपने कहा टिच, एस लगा दो टीचे, जैसे आपने कहा रिड्स, जैसे आपने कहा राइट्स, जैसे आपने कहा गोज, जैसे आपने कहा रंस, तो बोलो इसको आप वर्ब फाइव कहोगे कि नहीं कहोगे? एकदम कहोगे। तो ये वर्ब फाइव हुए, ये वर्ब वन हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मिलनी चाहिए थी जो मैंने अभी आपको दिया। तो आप दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि आपका ये प्ले वर्ब का वन है या नहीं है? तो बोलो वर्ब वन हो या वर्ब फाइव हो, बोलो ये कौन से वर्ब को बताएगा? इंडेफिनिट वर्ब को बता रहा है या नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। तो बोलो इसको आप क्या कहोगे? इंडेफिनिट। तो बोलो ये दोनों जब मिल गए एक साथ तो इनका नामकरण क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर। आप ठीक उसी प्रकार सपोज करो आपने कहा सी प्लेज अ बॉल। इस सेंटेंस में आपने प्लेज को देखा, आपका प्लेज, बोलो वर्ब का कौन हुआ? फाइव हुआ कि नहीं हुआ? वर्ब का फाइव इक्वल टू बोलो कौन वर्ब हुआ? इंडेफिनिट का हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आप इसको बोलोगे तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहते हैं। तो दोस्तों ठीक, हम इसको आगे लेके चलते हैं, समझ गए होंगे, ज्यादा समय इसमें लेना नहीं चाहेंगे हम लोग, एक एक करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इससे ठीक आगे चलते हैं। यानी अब हमारा नेक्स्ट हमारा इज आर एंड पे आती है बातें। तो इज आर एंड की चर्चा जब हम करेंगे तो इसको भी हम लोग कौन सा टाइम बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम ही होगा। और यह प्रेजेंट टाइम, सपोज करो किसी ने सेंटेंस लिख दिया ही इज गोइंग टू पटना। अब इस सेंटेंस को देखो, आपने सबसे पहले इज को देखा और इज को देख के आपने क्या बोला कि प्रेजेंट हो गया। इज को देख के आपने प्रेजेंट बोल लिया कि नहीं बोल लिया? अब आप गोइंग को देखो और गोइंग बोलो इंडेफिनिट हुआ क्या? गोइंग बोलो वर्ब वन हो रहे हैं क्या? वर्ब फाइव हो रहे हैं क्या? वर्ब टू हो रहे हैं क्या? नहीं पता है तो कैसे होगा सर इंडेफिनिट? कुछ बच्चे बैठते हैं उन्हें समझ में नहीं आता इंडेफिनिट क्या होते हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आज मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है तो जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज मेरे गर्मी में पसीने यू ही निकल के बर्बाद हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं मर रहा हूं आपको लेके, इसलिए आप भी, आपको भी लेके बैठना है और आपको भी समझना है, अंत तक जाना है। और देखो जब आपने गोइंग को दिया तो अब हम नेक्स्ट, इस पे मेरा तो मिल नहीं रहा है तो हम लोग इम्परफेक्ट की चर्चा करेंगे और इम्परफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन को जानना पसंद करेंगे। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं? तो ये कहता है वर्ब का फोर, यानी वर्ब प्लस आई एन जी जब मिल जाए तो इसको क्या जानना? इम्परफेक्ट जानना। क्या जानना? इम्परफेक्ट जानना। तो दोस्तों इसको जो है इसकी हिंदी भी पहचान होती है रहा रहे और क्या रही, रहा रहे रही, ठीक। इसको इसका भी एक पहचान होता है ता ते ती, ये पहचान होता है। तो आप जब चर्चा करोगे यहां की बातें तो बोलो आपने इसको देख के क्या लगाया? प्रेजेंट। आप बोलो वर्ब फोर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्परफेक्ट। बोलो इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? होगा ना जी। तो आपने यहां पे देख ला इज गोइंग, आपका ये पहचान मिला, ये वर्ब फोर का पहचान मिला, आपका इज इधर का पहचान मिला, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गए। ठीक उसी प्रकार जब आपने देखा सी इज नॉट रीडिंग, अब आप बोलो इज इक्वल टू क्या? कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है कैसा जी? तो इम्परफेक्ट हो रहा है, यानी ये जारी होने की बात को बताता है। कौन से बात को? कंटिन्यू की बात को बताता है। रीडिंग इक्वल टू आई एन जी इसमें मिला ना, तो जब आप इसकी हिंदी बनाओगे तो क्या कहोगे? वह, आप रीड का मतलब क्या होता है? पढ़, ठीक है, वह पढ़। आई एन जी का मतलब क्या हुआ?
रहा रहे रहे रही, तो वह पढ़ रहा। और नॉट का मतलब क्या हुआ? नहीं। और इच का मतलब क्या हुआ? है, हूं, हो। तो यहां पर आप जब बनाओगे वह पढ़ रहा नहीं है, ये तो सेंटेंस हुआ नहीं, तो इसको सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो वह यहां क्या लिखेंगे? वह नहीं पढ़ रहा है। और जी हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इच के बाद इज आर एंड के बाद हम और भी तरीकों को देखेंगे, नहीं तो और भी तरीकों देखेंगे। तब देखें आप तो देखेंगे हमने क्या करा कि इम्परफेक्ट के लिए रहा रहे रही और इसको लेके जो है इज आर एंड क्लियर किए, इस पर जो है हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब आप देखेंगे हैव और हैज की बात, तो हैव और हैज भी आपके प्रेजेंट को ही शो कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या, एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में क्या कहता है? सी हैज गॉन टू पटना। अब आप इस सेंटेंस को देखो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट के ठीक बगल में जो होते हैं उस पर गौर करना, आपको ये दिखाई देंगे, इसका मतलब होगा कि टाइम को पहचानना। कौन चीज को पहचानना? टाइम को पहचानना। तो बोलो हैज आपका कौन सा टाइम दे रहा है? प्रेजेंट का टाइम दे रहा है, तो आप प्रेजेंट के पास जाओ। और आपका ये जो गॉन है वो कौन सा टाइम दे रहा है? तो इस गॉन के लिए आपको जो है समझना पड़ेगा कि जब वर्ब का थर्ड लग जाए, क्या लग जाए? वर्ब का थर्ड, यानी किसी भी वर्ब के अंत में ईडी लगे, ओ यू जे एस टी लगे, ई एन लगे, पी लगे और डी भी लगता हो, तो उसको जो है हम लोग वर्ब थर्ड के नाम से जानते हैं। तो बोलो आपका यह क्या कहलाया? परफेक्ट कहलाया कि नहीं कहलाया? ये आपका परफेक्ट, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो बोलो हैज के बाद आपने गॉन को देखा, दूसरे सेंटेंस में आपने देखा कि हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड दिस, एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, आपने यहां पे क्या देखा? है। और हैव को देखते देखते आपको याद क्या आ गया? प्रेजेंट की याद आ गई। आपने फिनिश्ड को देखा, अंत कौन से कर रहा है? एडी से कर रहा है। आपको देखते देखते जो है वर्ब थर्ड की याद आ गई, तो वर्ब थर्ड का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट हुआ। यानी आप किसी भी तरह से आपने इसको प्रेजेंट बोला, आपने इसको परफेक्ट बोला, दोनों को मिलाएंगे क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। हम दोस्तों तो इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं बोर्ड को, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसके बाद जो है आप हैव बीन और हैज बीन पे जाना। किस पे जाना? हैव बीन और हैज बीन पे जाना। तो जैसे आपने कहा आई हैव बीन डूइंग दिस, तो दोस्तों एक बात ये और भी मैं मिस कर गया कि यहां जब आएगा तो इसकी पहचान आप क्या करोगे? तो इसकी पहचान या ए ई और क्या? चुका चुके और क्या? चुकी। ये रहेगा या ए ई चुका चुके चुकी, ये पहचान है। इसको बोलना ही बोलना है आपको। सपोज करो आपने पहले वाला सेंटेंस बोला, मुझे पहले वाला सेंटेंस है आई हैव डन दिस वर्क। अब आप मुझे इसको सेंटेंस को क्लियर करो, हिंदी करके बताओ, तो हैव इक्वल टू प्रेजेंट और डन इक्वल टू परफेक्ट। तो बोलो इसको जो है आपको हिंदी करनी है, सबसे पहले मैं लिखोगे और मैं के बाद जो है ना क्या करोगे? इस काम, इस काम। अब क्या करना? क्रिया डू का मतलब क्या होता है? कर। और कर में क्या जोड़ना है? या ए ई जोड़ना है या चुका चुकी चुकी जोड़ना है, आप दोनों में कोई भी लिख सकते हो। कर चुका। और हैव का मतलब इधर क्या बोलना है? क्या बोलना है? है वो में से, तो मैं है तो क्या लिखोगे आप? हूं। तो मैं इस काम कर चुका हूं, इसके बीच में आप को लगाओ, को कर चुका हूं। या आप इसको ऐसे बोलोगे मैंने इस काम को कर लिया है,
अब आप देख लो दोनों ही सेंटेंसों को अपने अपने बेस पे आप काम कर सकते हो। तो ये कुल मिलाकर जो है आपके सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं। आगे देखेंगे, इससे मैं आगे चलता हूं। जो मैं नीचे गया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया था, और आप देखोगे यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सी हैज बीन डूइंग दिस, सी हैज बीन डूइंग दिस, आपको इसको हिंदी करनी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या करोगे आप, ते रही, ये बातें आपको जानना है इसकी हिंदी। और इसके इंग्लिश क्या होते हैं, वर्ब के क्या लगे होते हैं, फोर लगे होते हैं। ठीक इसके ठीक पहले आप देखना बीन कहीं ना कहीं लगे होंगे, यानी बीन इसमें लगे हैं तो वर्ब को यहां से पहचानना है आपको। यानी आपने हैज को देखा, पहचान लिया प्रेजेंट, प्रेजेंट पहचान लिया, हैज बीन को लेके और डूइंग बराबर कंटिन्यूअस या इसकी बात कर दिया। तो अब आप देखोगे यहां पर जो है आपने क्या बोला, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर डूइंग है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहेंगे, क्या हम इसको इम्परफेक्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे, आपके अकॉर्डिंग एकदम राइट बनता है। लेकिन नहीं, मैंने यहां बोला है कि यहां देखना वर्ब फोर के बगल में क्या लगे हुए हैं, बिन लगे हुए हैं। अगर लगे हो तो जानना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर बिन नहीं लगे हो तो आंख मूंद के ब्लाइंडली आप कहना कि ये क्या है, इम्परफेक्ट ही है। आपको यही जानना है, ये इम्परफेक्ट ही है। तो दोस्तों बिन बिन जो है इस वर्ब फोर के ठीक बगल में है, इसलिए आप इसको इम्परफेक्ट को कहोगे नहीं, जब कहोगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहोगे, यानी कि यह प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये दोस्तों क्लियर हो गया आपका प्रेजेंट का पूरा। ठीक उसी प्रकार पास्ट का जब चर्चा चलेगा तो पास्ट पे भी आप काम करना। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रेजेंट की तरह ही हम पास्ट पे काम करेंगे, और पास्ट में लाइट नहीं आ रहा है, लाइट देख लीजिएगा, वो उधर फ्लैश का लाइट नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि पास्ट का प्रेजेंट की तरह पास्ट का भी हम काम करेंगे, और एक सेंटेंस यहां डालते हैं। इस सेंटेंस को हमने देखा, आई डिड नॉट राइट अ पोएम, एक सेंटेंस है आई डिड नॉट राइट अ पोएम, इसमें हमने क्या लिखा, डिड लिखा। और डिड को देखने का मतलब क्या हुआ, डिड को पहचानो आप जरा क्या हो रहा है। डिड का मतलब क्या हुआ, पास्ट, और डिड का मतलब क्या, हाथे थी। डेट का मतलब पास्ट, डेट का मतलब हाथे थी। और वर्ब का क्या लगा हो, वर्ब का वन लगा हो, वर्ब का क्या लगा हो, वन लगा हो, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वन का मतलब इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, और इसका मतलब क्या, पास्ट। तो बोलो ये पास्ट का इंडिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो आप इसको जब हिंदी करोगे तो आपने क्या लिखा, मैं एक कविता नहीं लिख, बस लिख। अब आपको जानना है कि दो कॉन्सेप्ट, ये ताते थी और दूसरा या ए ई, या चुका चुके और क्या चुकी, इन सभी के अंत में आप देख रहे हैं ना, या ए ई चुका चुकी चुके। अब आपको देखना है, मैं एक कविता नहीं लिख चुका, ये बोल सकते हो, या मैंने एक कविता नहीं लिखा, ये भी लिख सकते हैं, या लिखा था, या लिखा था, इनको भी लेके बोलते हैं। अब सपोज करो हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा एग्जांपल लिया, सी बॉट अ बुक, सी बॉट अ बुक। अब आप इस सेंटेंस को देखो, आपका यह बॉट वर्ब का क्या है, वर्ब का क्या हो रहा है, टू हो रहा है। अब आप देखोगे, देखो भाई टू और थ्री में भी बड़ी अंतर है। आप बॉट जो है आपका
ये कहता है मैं 2D हूं और मैं 3D हूं, तो इसको एक मिनट में हम लोग दूर कर ही दिए देते हैं। जब हम 3 की चर्चा करेंगे, जब हम 3 तब मानेंगे जब एक तरफ ये बॉट लिखा हुआ है, इसको हम 3 तब मानेंगे जब इसके बगल में कोई 3 लोग जैसे है, जैसे है, जैसे है, अगर ये लोग इनके अगल बगल में हों, तब वर्ब का थर्ड हो, यानी इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म अगर मैं लिखूं कि है, हैज या है, इनके बगल में जो लोग होंगे उन्हें हम वर्ब का क्या कहेंगे, थर्ड। अगर सेम चीज यही बॉड सिंगल मिले किसी किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के पहले, या सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के पहले, तो इसको हम लोग टू मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्ब टू मानते हैं। तो दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, वर्ब थर्ड कब मानेंगे, जब हैड, हैज, हैड मिले और उसके ठीक बगल में वर्ब का थर्ड यानी बॉट मिले, टॉट मिले, ब्रॉट मिले, ये कुछ भी मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब थर्ड कहते हैं। बस इतना सिंपल याद रखना, हैड, हैज, हैड जानो, उसके बाद में कोई भी मिलता है तो उसको वर्ब का थर्ड जानो। लेकिन वर्ब थर्ड अगर यदि ऐसे पाए जाए, सब्जेक्ट के बाद पाए जाए, सब्जेक्ट के पहले पाए जाए, तो वो वर्ब का क्या कहलाता है, टू ही कहलाता है, बस इतना ही जानना। तो बोलो यहाँ पे तो हैव हैज हैड कहीं आ नहीं रहा है, किसी सेंटेंस में कहीं भी किसी भी साइड में नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या जानोगे, वर्ब का टू जानोगे। और टू का मतलब क्या होता है, इंडिफिनिट होता है कि नहीं होता है, टू का मतलब इंडिफिनिट होता है। तो आपने देखा टू का मतलब इंडिफिनिट होते हैं और आपने जो है इस पर काम किया। तो दोस्तों मैं सबसे पहले थोड़ा सा बोर्ड में क्लीन करना चाहता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो डिटे क्लियर हो गए, इसके बाद को लेके हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में मैंने देखा आई वॉज डूइंग दिस वर्क, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, वॉज बोलो कौन सा, बोलो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो डूइंग हो, बोलो वर्ब का क्या हुआ, फोर हुआ कि नहीं हुआ, इम्परफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, तो बोलो ये पास्ट के इम्परफेक्ट हुए कि नहीं, ऐसे करके आपने पास्ट इम्परफेक्ट को देख लिया। ठीक उसी प्रकार हैड के बाद हम लोग करते हैं आई हैड डन दिस वर्क, बोलो हैड इक्वल टू क्या हुआ, पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये हुए पास्ट और ये हुआ डन, वर्ब थर्ड है तो इसका मतलब क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, बोलो ये पास्ट का परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों हैड बीन, अब आप जरा देखना आई हैड बीन टीचिंग, अब आप देखना हैड बीन इक्वल टू पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, आज टीचिंग हुआ, टीचिंग मेरा लास्ट में जाएगा वर्ब फोर यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं, तो बोलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं। इसी प्रकार जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब समाप्त होता है तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं किसको, फ्यूचर की बातें करते हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर की चर्चा करते हैं, एक एक करके फ्यूचर की काम करेंगे। दोस्त रूल कहता है कि आपने जब लिखा आई सेल गिव यू अ बुक, जरा देखना आई सेल लगाया, सेल इक्वल टू क्या हुआ, फ्यूचर टाइम, आगे वर्ब वन हुआ तो बोलो वन इक्वल टू क्या हुआ, इंडेफिनिट यानी कि यह फ्यूचर हुआ और क्या हुआ, इंडेफिनिट हुआ। ये क्लियर हो रहे हैं, जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो क्या करेंगे, मैं एक किताब, आ क्या क्या है, तुमको, आजीव का मतलब दो, दो है लेकिन लास्ट में क्या देना है, गागे की लगाना है, तो गागे की के लिए पहचान क्या होगा, दूंगा, क्या होगा, दूंगा। सपोज करो सी विल सिंग अ सॉन्ग, अब आप जरा देखना सी इक्वल टू विल का मतलब क्या हुआ, विल का मतलब फ्यूचर, सिंग वर्ब का मन हुआ तो बोलो फ्यूचर एंडिंग फिनिश हुआ, वह एक गीत गा के बाद इसमें गाए गीत लगाना है तो गाए गीत, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके फ्यूचर एंडिंग फिनिश हो गए।
अब आप चर्चा करना फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आपका नंबर आता है 7, यानी कि जैसे लिखा गया दे विल बी रीडिंग अ बुक। अब आप सवाल देखना, विल बी लगा हुआ है, बोलो फ्यूचर टाइम हुआ कि नहीं हुआ, और रीडिंग लगा हुआ है, आईएनजी इक्वल टू इम्परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलो इसमें रहा नहीं रहे लगाना ही है, तो वे लो, ठीक है, एक किताब क्या करेंगे, पढ़ रहे क्या जी होंगे, क्लियर हो गया कि नहीं सर? आपने देखा फ्यूचर इम्परफेक्ट की बात, फ्यूचर परफेक्ट की बात। अब आप देखना इसके बाद मैंने लिखा सी विल हैव डन दिस वर्क। अब आप जरा देखना हैव लगाया, सेविल के बाद हैव लगा, बोलो फ्यूचर टाइम हुआ कि नहीं हुआ, डन लगा, बोलो परफेक्ट हुआ कि नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट हुआ कि नहीं। तो ऐसा करके आप फ्यूचर परफेक्ट समझ जाते हो। जब मैंने लिखा सी विल हैव, तब यहाँ लगाएंगे बीन डूइंग दिस, तो बोलो इस तरह से विल हैव लगा और बीन लगा तो बोलो फ्यूचर हुआ कि नहीं, या डूइंग लगाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं। ऐसे करके दोस्तों हम समझ जाते हैं यह पूरा टेंस का माजरा क्या है। तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंसों में हम लोग आसानी सेंटेंस को सीख जाते हैं, और दोस्तों हर चीज़ों का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, इस कॉन्सेप्ट के बदौलत आप जो है टेंस अब अपनी मुट्ठी में कर लोगे। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मैं अब इसके बाद जो है आपके साथ मिलता हूँ। टाइम एंड टेंस की चर्चा जब मैं करूँगा तो उसमें टेंस बड़ी ब्रेकली अंदाज में पढ़ाऊँगा, एकदम छोटे अंदाज में पढ़ाऊँगा, और इसको मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया है ताकि जो है आप टाइम एंड टेंस देखोगे तो उस समय टेंस की यादें जो है आपको तरोताजा करती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरे हिम्मत नहीं बढ़ेंगे, और मुझे जो है अगले वीडियो देने के लिए हौसला थोड़ा सा बुलंद करने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब देने पड़ेंगे। अगर हाँ मैंने आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा भी फायदा है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका इंतजार करता रहता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।